हाय दोस्तों, सलाम अलैकुम वनकम। ये अभी ये सेफ्टी का सिलेंडर है, सेफ्टी का सिलेंडर लगा हुआ। ये कोई फायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली काम में हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम है, ये फायर सिस्टम सेफ्टी, ये ऑटोमेटिक है। जाएगा वो अपने आप ओपन होके बंद हो जाएगा। ये बड़ा जनरेटर है, ये डीजल में चलता है। ये फ्यूल टैंक है। कोई इधर आग लग गया, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो अपने बंद कर देगा। पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक है। इसमें पाउडर रहता है पूरा, अपने आप ओपन होके अलार्म बंद हो जाएगा। ये इंडिकेटर है, सिस्टम पूरा आता है इसमें, ऐसे रहता है पूरा। ये मेन, ये अलार्म, फायर अलार्म को हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए पहले आगे कॉल कर देगा, बाद में इसको बेल बजेगा तो वो पूरा इंडिकेशन चला जाएगा, पूरा एरिया का पता चल जाएगा। फिर आके अपने आप ये दो बेल बजेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। ये सिलेंडर, ये मैनुअल सिस्टम है, ये अपने आदमी यूज करने के लिए। ये अपने आदमी अंदर आकर देखने के पहले इसको निकालेगा, इसमें से कपड़ा आएगा, कपड़ा लगा के हम लोग ऐसा देखो ऐसा ये खींचना पड़ेगा। बाद में इसको हमें सामने लेके जाके बाद में हम ऊपर लगा सकते हैं। और हम लोग कोई मुश्किल हो तो अपने आप को सेफ्टी में दिखाने के लिए ये सिलेंडर को यहाँ पे खींच के इधर से फायर मारना पड़ता है, ये अपने सेफ्टी के लिए। ये सिलेंडर पूरा वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप ओपन होके बंद हो जाएगा, फायर बंद कर देगा। ये लगा हुआ टेम्परेचर लगा हुआ, ये भैया भाई फायर सिस्टम का, फायर सेफ्टी का कैसा यूज करना है, उसका हम लोग को कैसा करना, कैसा यूज करना, हम लोग को जिस कैसा करना है उसका बारे में बताया। फिर उसमें आ रही होगी पूरा कंट्रोल सिस्टम, लाइट इसमें आराम हो जाएगा, इसमें लाइट इंडिकेशन आएगा, सेंसर साइलेंस सिस्टम, ये पुशिंग सिस्टम। ये अपने आदमी को आदमी आके इंफॉर्मेशन करने के लिए ये वाला। ये भी डीजल पर्पस है, ये डीजल के लिए डायरेक्ट ऊपर दिया है, मैनुअल सिस्टम है। ये सिलेंडर भी मैनुअल सिस्टम है, ऐसे भी टाइप का आएगा। ये ऑटो सिस्टम है, वाले से काम कर गए, पाइप से जाएगा गैस, यहाँ से जाएंगे अंदर जाके बंद हो जाएगा। तो सिलेंडर वही सिस्टम।